इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। उस्मानाबाद और सोलापुर की सीमा पर एक छोटा सा गांव है काटी, जिसमें छिपी है एक शानदार और रहस्यमयी बस्ती। यहां मौजूद है मराठवाड़ा की शिल्पकारी का अद्भुत नमूना, जो है कदीम तरीन मस्जिद, जो काटी के जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये महाराष्ट्र के शुरुआती मध्ययुगीन काल के सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। ये बस्ती उस्मानाबाद जिले में काटी सावरगांव रोड पर मौजूद है। आज जहां ये महज एक छोटी सी बस्ती है, वहीं ये इलाका एक जमाने में सल्तनत की अहम तहसील हुआ करती थी। इस इलाके को बहमनी सल्तनत के दौर में बसाया गया था। इस बस्ती ने अहमदनगर सल्तनत का शासन भी देखा है। ये क्षेत्र अहमदनगर सल्तनत के विनाश के साथ मुगलों के अधीन भी आया और अंत में हैदराबाद के निजाम के जागीर में आया। इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसे सेनापति याकूत की बीवी ने उनके गुजरने के बाद उनके याद में बनवाई थी, जिसे काटी का जामा मस्जिद कहते हैं। इसकी खूबी सिर्फ उसकी आर्टिस्ट्री में नहीं है, उसकी डिजाइन में नहीं है, लेकिन खूबी इस बात में है कि ये मस्जिद बनाया गया एक औरत के हाथों से। जब उनके शोहर गुजर गए, उनके जो मेहर के पैसे थे, उन पैसों में से उन्होंने ये मस्जिद बनाई। तो ये जो मस्जिद है, वहाँ के जो इमाम साहब हैं, जो मदरसा चलाते हैं, ऐसा कहते हैं कि उनके जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, जो दंत कथा है, उसके मुताबिक ये बुरहान शाह अहमदनगर के जो थे, उनके टाइम में बनी गई थी। मस्जिद के कोर्टयार्ड में एक बहुत ही सुंदर सी छोटी टूम है, एक कबर है, और उसके ऊपर सैडली कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर उनके शोहर की याद में उन्होंने ये मस्जिद बनाई है, तो शायद वो जो कबर है, उनके शोहर की ही कबर है। इस मस्जिद की वास्तुकला काफी विस्तारित तरीके से बनी हुई है और इसे बनाने में प्लास्टर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। ये खूबसूरत मस्जिद बसाल्ट पत्थर से बनाई गई है, जिसे मस्जिद के अंदर और बाहर दोनों तरफ सुंदरता से तराशा गया है। इस मस्जिद के चारों कोने में मीनार है, जो कमल के फूल की तरह तराशे गए हैं। हर मीनार पर छोटे छोटे गुंबद बने हैं और बीच में बना है एक बड़ा गुंबद। मस्जिद ब्यूटीफुल दक्खनी स्टाइल में बनाया गया है। जो बेसोल्ट स्टोन होता है, जो काला रंग का दगड़ होता है, जो पत्थर होता है, उससे बनाया गया है, और उसमें बहुत सारा सुंदर कार्विंग किया गया है बाहर से। अंदर जो जब आप जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुली उसे फिनिश किया गया है। उसे इतना पॉलिश किया गया है कि वो संगमरमर की तरह एकदम ही चिकना और एकदम ही स्मूथ बन जाता है। और उसमें कुरान के आयात वगैरह, सूरा वगैरह काव किए गए हैं, और एक लेख है बिल्डर का इसके बारे में। काटी का जो मेन मस्जिद है, उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानिंग है। बड़ा सा एक स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर वॉल बनाया गया है, तीन साइड से सिंपल वॉल है क्रेनेलेशंस के साथ, और सामने की जो दीवार है उसमें बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चरल वर्क किया गया है। वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलोनेड्स बनाए गए हैं, और वो कॉलोनेड्स में जो सराय कहते हैं, जो लोग आते हैं वहाँ, जिनको पिलग्रिमेज करनी है वगैरह, या जिनको सिर्फ बैठना है आके वो मस्जिद में, तो उनके लिए एक कोई इंतज़ाम किया जाता है, तो ऐसी एक सराय है। एक बहुत ही बढ़िया बावड़ी है वहाँ, और ये बावड़ी की खूबसूरत ऐसी है कि आप बाहर से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अंदर से भी। तो सामने की जो लेफ़्ट साइड की कॉर्नर है, उसमें बावड़ी है, और वो एंट्रेंस के वॉल के नीचे से आर पार, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों की तरफ
ये बावड़ी है। तो ये बावड़ी अभी भी यूज़ की जाती है, अभी भी जो वहाँ मदरसे में जो पानी यूज़ किया जाता है वो बावड़ी से पंप लगा के यूज़ किया जाता है। और वैल्यू एडेड फीचर है ये बावड़ी का पानी, उस्मानाबाद जैसे ज़िले में जहाँ पानी की हमेशा कमी हुई है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप जब इंटर करते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, तो उसका एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट में बहुत ही ब्यूटीफुल एक डोम है, सब जगह नीशेज है, स्क्विंचेस है और ट्रू डोम है। और डोम का बहुत ही ब्यूटीफुल लोटस शेप का एंकरिंग स्टोन है। और जब आप वहाँ से मस्जिद की कोर्टयार्ड की तरफ जाते हैं तो बहुत ही छोटा सा गेट है जहाँ आपको झुक के जाना पड़ता है, क्योंकि आप अल्लाह के वहाँ जा रहे हैं तो उनके सामने आपकी नज़र और आप झुकने चाहिए। तो झुक के आप जब बाहर निकलते हैं तो सामने आपको एक ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड दिखता है, उसके बीच में एक फाउंटेन हुआ करता था, आज खैर वो सूख गया है और एक खाली टैंक है जहाँ लोग वजू करते थे। और सामने एक छोटा सा तीन आर्क वाला मस्जिद दिखता है जिसको चार मीनार है और बहुत ही ब्यूटीफुल बीच में डोम है, और वो डोम एक रिंग स्टैंड के ऊपर खड़ा है। डोम के ऊपर भी ब्यूटीफुल ऑर्नमेंटेशन है, साइड्स पे भी कार्विंग्स दिखते हैं आपको, ऊपर के क्रेनलेशंस दिखते हैं। आप जब पीछे की तरफ जाते हैं तो उसका जो मिराब है उसका एक्सटेंशन दिखता है, और वो मिराब का एक्सटेंशन पूरा ऊपर से नीचे तक बनाया गया है। तो ऐसे नहीं कि छोटा सा जो अंदर मिराब होगा उसका एक लेवल पे एक्सटेंशन बनाया जाता है, लेकिन पूरा एक्सटेंशन क्लैडिंग में ऊपर से नीचे तक बनाया गया है। दो प्रणाल हैं ऊपर का पानी निकलने के लिए पीछे की तरफ। और जब आप लेफ्ट साइड से इसे प्रदक्षिणा करके जाते हैं और आप मस्जिद के राइट साइड पे पहुँचते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्टेयरकेस है जो बनाया गया था ऊपर जाने के लिए, जो फ़िलहाल आज थोड़े उसको मॉडिफिकेशंस किए गए जो उसकी सुंदरता को थोड़ी सी छीन लेते हैं, लेकिन तो भी आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया कैंटिलीवरिंग किया गया है उस ज़माने में कि 500 साल बाद भी वो इंटैक्ट है। काटी की मस्जिद 17वीं शताब्दी के बीजापुर के आदिल शाह द्वारा निर्मित दाभोल पर पाए जाने वाले मस्जिद गोल गुंबद से काफी मिलती जुलती है। कदीम तरीन मस्जिद के अंदर की तरफ पत्थरों पर खूबसूरत खत्ताती या कैलीग्राफी की गई है। ये खत्ताती अरबी और फारसी में पुराने आयत और कुछ इबादतें हैं। जब आप अंदर जाते हैं मस्जिद के अंदर, स्टेप्स क्लाइंब अप करके आप अंदर जाते हैं तो ये ब्यूटीफुली पॉलिश्ड ग्रे ग्रीन दिखता है स्टोन, जो ब्लैक होना चाहिए, और उसके अंदर बहुत ही सुंदर सब जगह कार्विंग्स और नीशेस है। मगर आपकी नज़र ताबड़तोब जो मेन मिराब है उसके ऊपर पड़ती है, और इतना आपको शायद एक्सट्रीमली कार्व्ड और इंट्रिकेटली कार्व्ड मिराब कहीं नहीं दिखेगा महाराष्ट्र में, जो इतनी नाजुकी से काव किया गया है, इतने डिटेल्स है उसमें, इतने लेयर्स है। और दिखने में तो पहले ही ऐसे लगता है कि ये कोई मंदिर के गर्भगृह का दरवाज़ा है, और मल्टीपल उसके जो डोरजैम्स होते हैं और लिंटल्स होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन आपको इस्लामिक आर्ट में दिखता है। तो कारण तो इसका ये है कि कारीगर तो वही है जो मंदिर बनाने वाले कारीगर थे, अब मस्जिद बना रहे हैं, तो उनकी कारीगरी यहाँ भी दिखती है हमें। और इतने ब्यूटीफुल डिटेल्स हैं कि शायद ऐसे डिटेल्स हमें और कहीं नहीं दिखते हैं। तो दुख की बात यह है कि ये जो इतना सुंदर सा मस्जिद, छोटा सा मस्जिद है, इस मस्जिद को हम इतना कम जानते हैं कि इसके ऊपर कोई भी हिस्टोरियन ने अभी तक काम नहीं किया है। और इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको पढ़ने की गरज है, ज़रूरत बहुत बड़ी है कि हम सिस्टमेटिकली उसको पढ़ के जो भी निज़ामशाही रिकॉर्ड्स है, बहामनी पीरियड के रिकॉर्ड्स है, उसमें हम जाए और पढ़ के देखें कि ये काटी का मस्जिद जो बनाया गया था उसके बारे में इतिहास क्या कहता है और क्या कह सकता है। इस 500 साल से भी ज्यादा पुरानी मस्जिद के बारे में छिपे हुए राजों को जानने के लिए और भी रिसर्च की जरूरत है। मस्जिद की दीवारों पर जो कुछ भी लिखा गया है उसके बारे में ऐतिहासिक संदर्भों के साथ जानकारी पाने की आवश्यकता है। बरसों से नज़रअंदाज की गई कदीम तरीन मस्जिद शिल्पकारी का छिपा हुआ अद्भुत मास्टरपीस है, जिसे
सुरक्षित रखा जाना चाहिए।